हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z7S एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैसेज टोन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैसेज टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा मैसेज टोन का, मैसेज टोन पे सिलेक्ट करना है। अब ये मैसेज टोन का पेज ओपन होगा, इसमें आपको जो है ना ये म्यूट का ऑप्शन मिलेगा, म्यूट के सामने वाले सर्कल पे आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो ये ब्लू टिक मार्क लग जाएगा म्यूट के सामने वाले सर्कल पे, यानी कि इस तरीके से आपकी मैसेज टोन सेटिंग डिसेबल हो जाएगी, यानी कि ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैसेज टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन पे कभी भी मैसेज आएगा ना, तो आपका मोबाइल फोन से कोई भी साउंड की आवाज नहीं आएगी। मैसेज कौन सा, ये जो मैसेज ऐप होता है ना, ये वाला, इस मैसेज ऐप का कभी भी मैसेज आएगा आपके फ़ोन पे, ठीक है, तो आपके फ़ोन से कोई भी साउंड की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना मैसेज टोन सेटिंग डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फ़ोन में। अब मैं आपको जो है मैसेज टोन सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का ये सेटिंग पेज ना फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कीजिए, सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है सर्च आइकन का, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है मैसेज टोन, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये मैसेज टोन का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे सेलेक्ट करना है, इससे क्या होगा आपका फ़ोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।